गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और चैप्टर नंबर 15 का क्या नाम है आप जानते हैं? टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। ओके, तो चैप्टर तो हमने पढ़ लिया है, समझ भी लिया है। आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करने का टाइम है। सो लेट्स बिगिन टू सॉल्व द एक्सरसाइज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए है, देखते हैं। ओरल क्वेश्चंस दो हैं बट हम इनको रिटन करेंगे, तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। नेम द डिज़ास्टर विच कॉजेज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स विच मूव इन अ सर्कल। ठीक है, नेम द डिज़ास्टर, एक ऐसे डिज़ास्टर का नाम बताइए विच कॉजेज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स चलाता है या जिसमें बहुत ही तेज़ हवाएं चलती हैं। एंड विच मूव इन अ सर्कल, और वो जो हवाएं चलती हैं वो किस में चलती हैं? सर्कल में चलती हैं। तो ऐसा डिज़ास्टर होता है और उस डिज़ास्टर का क्या नाम है वो हम आंसर में देखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू द अर्थक्वेक टेक प्लेस? टेक प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ का होना, घटना, अकर। अकर भी लगा सकते हैं और टेक प्लेस भी लगा सकते हैं। तो हाउ डू द अर्थक्वेक टेक प्लेस, यानी कि जो अर्थक्वेक होते हैं, जो भूकंप होते हैं, वो कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उनको उनके होने के पीछे क्या रीजंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों क्वेश्चंस के रिटन आंसर देखते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमने पढ़ा था कि नेम द डिज़ास्टर विच कॉजेज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स विच मूव इन अ सर्कल, तो इसका आंसर क्या है कि साइक्लोन्स कॉजेज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसका आंसर है साइक्लोन्स। जो साइक्लोन्स होते हैं वो इस प्रकार के डिज़ास्टर होते हैं जिनमें बहुत तेज़ सर्कल में हवाएं चलती हैं और वो हवाएं अपने साथ बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करती हैं, बहुत सारा नुकसान करती हैं, तो इसलिए साइक्लोन्स भी एक डिज़ास्टर है। ओके, सेकंड देखिए क्या था कि हाउ डू द अर्थक्वेक टेक प्लेस, जो भूकंप होता है वो कैसे आता है, इसका आंसर क्या होगा? एन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, एक भूकंप तब आता है जब, व्हेन देयर इज अ सडन शेकिंग और वाइब्रेशन अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अर्थ का ई हमने कैसे बनाया है? कैपिटल बनाया है। ठीक है, तो एन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, एक भूकंप तब होता है जब देयर इज अ सडन शेकिंग, अचानक से क्या होता है? शेकिंग होता है, यानी कि हिलती है, या वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं। कहाँ पर? अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस के नीचे। जब अर्थ की सरफेस के नीचे कुछ कंपन होते हैं, या जो अर्थ की सरफेस का नीचे वाला हिस्सा है वो शेक करता है, और वो भी कैसे? सडन, अचानक से, तो कहा जाता है कि भूकंप आ गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? एन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ सडन शेकिंग और वाइब्रेशन अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो आप इन आंसर्स को अब लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। बच्चों अब एक्सरसाइज सी में देखिए, मैच द फॉलोइंग, हमको मैचिंग करनी है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ वर्ड्स दिए हैं और राइट हैंड साइड में भी कुछ फ्रेजेस दिए हैं, तो दोनों को हमें मिलाना है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमें दिया क्या है। अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड्स और ड्रॉट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, जाइंट वेव्स, बड़ी बड़ी तरंगे, वॉश्ड अवे क्रॉप्स, उजड़ी हुई फसलें, शेकिंग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, धरती के नीचे शेक करना, स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ हवाएं, मास मूवमेंट्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों का इधर उधर हिलना, टू लिटल रेनफॉल, और बहुत कम बारिश होना। तो अब इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है, देखें अर्थक्वेक का रिलेशन किससे है? शेकिंग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर अगर कोई चीज़ शेक कर रही होती है, चट्टानें शेक कर रही होती हैं, अर्थक्वेक आ जाता है। सुनामी में क्या होता है? सुनामी में बहुत जाइंट वेव्स आती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं। ठीक है, साइक्लोन्स में क्या होता है? साइक्लोन्स में बहुत तेज़ हवाएँ चलती हैं, तो स्ट्रॉन्ग विंड से कवर कर देंगे। फ्लड में क्या होता है? फ्लड में जब बाढ़ आती है तो वॉश्ड अवे क्रॉप्स, यानी कि सारी की सारी फसलें सब खराब हो जाती हैं, सब धुल जाती हैं। ड्रॉट में क्या होता है? बारिश बहुत कम होती है, तो टू लिटल रेनफॉल।
और लैंडस्लाइड्स में क्या होता है, मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खिसकती हैं, उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। तो ये आपकी मैचिंग थी जो हमने कवर कर ली है, आपको समझ में भी आ गई होगी। अब आप इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। बच्चों, सेक्शन सेकंड पर हम आ चुके हैं और सेक्शन सेकंड में एक्सरसाइज ए देखते हैं। एक्सरसाइज ए में हमको ब्लैंक्स को फिल करना है। देखिए, ब्लैंक्स हैं और सेंटेंस है। यहाँ से हम पढ़ते हैं, डैश अकर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन रिवर्स। ये आंसर्स को हमें इग्नोर करना है, ठीक है? हम केवल सेंटेंस पढ़कर अपना आंसर खुद निकालेंगे कि कोई डिजास्टर कब होता है। कोई डिजास्टर कब होता है, जब जो नदियों में पानी का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जस्ट अभी हमने इसी को पढ़ा था कि जब नदियों में पानी का लेवल बढ़ जाता है तो कौन सा डिजास्टर आता है, तो फ्लड आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्लड्स अकर। अकर सिंगुलर में है तो फ्लड को प्लूरल में लिखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इन डैश लैंडस्लाइड्स ऑफन डिस्ट्रॉय लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। तो कौन से ऐसे जगह हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड्स जो हैं वो अक्सर आती हैं और लाइव्स को और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। मैंने बताया था जो लैंडस्लाइड्स होती हैं वो हिल स्टेशंस पर आती हैं या हिली एरियाज में आती हैं। तो हिली एरियाज हमारे यहाँ को क्या है, हिमालय। तो हम लिखेंगे इन हिमालयाज या इन हिमालया रीजन लैंडस्लाइड्स ऑफन डिस्ट्रॉय लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड नंबर का सेंटेंस देखिए, अ डैश इज अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं के साथ जो तूफान आता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साइक्लोन, CYCLONE। तो अ साइक्लोन इज अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। नेक्स्ट देखिए, जॉइंट वेव्स इन द सी नोन एज। बहुत बड़ी बड़ी जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं समुद्र में, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सुनामी, TSUNAMI। फिफ्थ देखिए, डैश इज एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म्स। जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, ठीक है, यानी कि बादलों की गड़गड़ गड़गड़ होती है, वो किससे अटैच्ड है, किससे एसोसिएट करती है, लाइटनिंग से, LIGHTNING, लाइटनिंग, ठीक है? लाइटिंग नहीं है, लाइटनिंग है, LIGHTNING, लाइटनिंग इज एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म्स। फाइन, तो ये आपके ब्लैंक्स थे जिन्हें अब आप फिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। चलिए एक्सरसाइज बी देखिए, इसमें क्या करना है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई, कुछ स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कुछ फॉल्स हैं, तो जो ट्रू हैं उनके आगे टी लगाना है और जो फॉल्स हैं उनके आगे एफ लिखना है। तो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, लैंडस्लाइड अकर्स ड्यू टू मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस। चट्टाने और डेब्रिस मतलब मलबा, चट्टानों का मलबा, वो बहुत हिलता है और उसके हिलने की वजह से लैंडस्लाइड्स आती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। बादलों की गड़गड़ाहट की वजह से भूकंप आते हैं? नहीं, भूकंप शेकिंग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इसकी वजह से आते हैं। हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड्स कैन कॉज फ्लड्स। हाँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही हो, लैंडस्लाइड्स भी हो रही हो तो बाढ़ आती है, बिल्कुल ठीक बात है। एन अर्थक्वेक अंडर द सी कॉज साइक्लोन्स। समुद्र के अंदर का जो भूकंप है उससे साइक्लोन्स आते हैं? नहीं, उससे सुनामी आती है, तो ये रॉन्ग है। फर्स्ट एड इज द बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। एक घायल आदमी को जो बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं, ये ठीक है। अर्थक्वेक्स फ्लड्स एंड सुनामीज आर मैन मेड डिजास्टर। नहीं, हम अर्थक्वेक फ्लड्स और सुनामीज को कैसे बना सकते हैं, ये हमने नहीं बनाई है, ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, तो ये रॉन्ग है। सेवेंथ देखिए, आफ्टर फ्लड नंबर ऑफ डिजीजेस ऑल्सो हार्म टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। बाढ़ के ख़त्म हो जाने के बाद या बाढ़ के
चले जाने के बाद बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं गंदगी की वजह से, और उन बीमारियों के फैलने से भी इंसानों को और जानवरों को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो आफ्टर फ्लड नंबर ऑफ डिजीजेस ऑल्सो हार्म टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। ठीक है, तो अब आप इस एक्सरसाइज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों अपनी क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन पर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट सेक्शन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 6 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमको लिखने हैं, तो एक बार सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं उसके बाद उनके आंसर्स देखेंगे। देखिए, व्हाट इज अ डिजास्टर, डिजास्टर क्या होता है। नेम 5 नेचुरल डिजास्टर्स, उनके हमें नाम लिखने हैं। व्हाट इज अ सुनामी, सुनामी क्या है एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, और इसके इफेक्ट इफेक्ट्स क्या हैं। व्हाट इज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है। व्हाई डू फ्लड्स अकर, बाढ़ क्यों आती है। व्हाट इज फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है। नेम सम थिंग्स विच शुड बी कैप्ट इन फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट में रखी जाने वाली कुछ चीज़ों के नाम हमको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके आंसर्स को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ अ डिजास्टर, डिजास्टर क्या होता है। तो पढ़ते हैं इसका आंसर। देखिए, इवेंट्स दैट अकर सडनली कॉजिंग ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अ डिजास्टर। ठीक है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, समझ लीजिए। इवेंट्स मतलब घटनाएं, दैट अकर सडनली जो अपने आप घटित हो जाती हैं, ऐसी घटनाएं जो अपने आप घटित हो जाती हैं और क्या करती हैं, हमारे जीवन को और हमारी संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, तो ऐसे इवेंट्स को, ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, हम डिजास्टर कहते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, इवेंट्स दैट अकर सडनली कॉजिंग ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अ डिजास्टर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम 5 नेचुरल डिजास्टर्स, नेचर और इंसान दोनों ही डिजास्टर का कारण है। तो डिजास्टर दो तरीके के होते हैं, एक मैन मेड डिजास्टर्स और दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स। तो नेचुरल डिजास्टर्स के हमको नाम लिखने हैं। तो देखिए, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, सुनामीज, साइक्लोन्स एंड लैंडस्लाइड्स आर नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, अर्थक्वेक्स हैं, फ्लड्स हैं, सुनामीज हैं, साइक्लोन्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, लाइटनिंग्स हैं, ये सभी क्या हैं, ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं। तो आप कोई से भी 5 नाम लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, ऑप्शंस दिए हैं और जो करेक्ट आंसर है उन्हें हमें टिक करना है। चलिए, द टर्म सुनामी कम्स फ्रॉम, अच्छा जो डिजास्टर है ना एक सुनामी, तो सुनामी जो टर्म है, जो शब्द है, वो कहाँ से आया है। वो चाइनीज लैंग्वेज से आया है या इंग्लिश लैंग्वेज से आया है या जापानीज लैंग्वेज से आया है। देखिए, सुनामी का इंट्रोडक्शन जापान ने सबसे पहले झेला है, जापान में सुनामी आज भी बहुत आती हैं, तो वहीं उसी कंट्री में ये नाम इसको दिया गया है। तो जो सुनामी है वो एक जापानीज वर्ड है। ठीक है, सुनामी एक ऐसा वर्ड है, जापानीज वर्ड है, स्पेलिंग आप देख रहे हो, टी साइलेंट है, TSU सू और NAMI नामी, सुनामी। ओके, सेकंड देखिए, लैक ऑफ और टू लिटिल रेनफॉल, लैक ऑफ का मतलब होता है कमी और टू लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा, तो बारिश की कमी होना या बहुत थोड़ी बारिश होना कॉजेज किसका कारण होता है, यानी कि अगर बारिश बहुत कम होती है या थोड़ी होती है या बिल्कुल नहीं होती है तो उससे क्या होता है, उससे अर्थक्वेक आता है, उससे साइक्लोन आता है या उससे ड्रॉट यानी कि उससे सूखा पड़ता है। तो बहुत सिंपल है कि अगर बारिश नहीं होगी, किसी ज़मीन पर बारिश नहीं होगी और बहुत टाइम तक नहीं होगी या बहुत थोड़ी होगी, तो वहाँ की जो धरती है वो किसका शिकार हो जाएगी, सूखे का, क्योंकि वहाँ पानी की कमी हो जाएगी और पानी की कमी वाली स्थिति को हम क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं। सो द आंसर ऑफ द सेंटेंस इज ड्रॉट। ओके,
नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन डैश अकंपनी साइक्लोन्स. अकंपनी का मतलब होता है किसी का साथ देना. तो साइक्लोन्स का साथ कौन देती है, मतलब जब साइक्लोन्स आते हैं तो उनके साथ में क्या होता है. उनके साथ में हैवी विंड्स आती हैं, उनके साथ में हैवी रेन्स आती हैं, या दोनों चीज़ें आती हैं. तो देखिए जब साइक्लोन्स आते हैं तो तेज हवाएं भी चलती हैं और तेज बारिश भी होती है. तो ये दोनों ही आंसर इसके साथ अकंपनी हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी. फाइन, नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 4. फ्लड अकर्स, बाढ़ आती है व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर. जब नदी में पानी का जो लेवल है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए. डिक्रीज हो जाए मतलब घट जाए, इंक्रीज हो जाए मतलब बढ़ जाए, और रिमेन सेम उतना ही रहे, नहीं उतना ही रहने पर बाढ़ नहीं आएगी, घटने पर भी बाढ़ नहीं आएगी. बाढ़ कब आएगी, जब पानी का लेवल नदी में बढ़ जाएगा. तो इसका सही आंसर है इंक्रीज. फिफ्थ देखिए, लैंडस्लाइड इज ऑल्सो कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ. लैंडस्लाइड्स क्यों होती हैं, लैंडस्लाइड्स का मतलब क्या होता है कि जो पहाड़ हैं वो टूट कर गिरने लगते हैं, ठीक. और ऐसा कहाँ होता है, जो हिल स्टेशंस होते हैं, जो हिली एरिया होते हैं, वहाँ आती हैं लैंडस्लाइड्स. तो किसका किसकी वजह से आती हैं, अर्थक्वेक्स की वजह से आती हैं या फ्लड्स की वजह से आती हैं. तो अर्थक्वेक्स जब आते हैं उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स होती हैं और फ्लड्स की वजह से भी लैंडस्लाइड्स होती हैं. तो इसके जो ऑप्शंस दोनों हैं, दोनों ही करेक्ट हैं. तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, राइट. सिक्स देखिए, नेचुरल डिजास्टर्स कीप हैपनिंग ऑल ओवर द. नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं वो कीप हैपनिंग, होते रहते हैं ऑल ओवर द सिटी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री. तो डिज़ास्टर हैं, डिज़ास्टर का रिलेशन केवल किसी शहर या देश से तो नहीं है, डिज़ास्टर का रिलेशन पूरी दुनिया से है. जो डिज़ास्टर हैं, जो आपदाएं हैं, वो पूरी दुनिया में हर समय आती रहती हैं. कभी किसी देश में कोई आपदा है तो कभी किसी देश में कोई आपदा है. इस टाइम भी एक डिज़ास्टर चल रहा है, इस टाइम भी एक एमरजेंटिक सिचुएशन चल रही है ना, आप सभी उसके बारे में जानते हैं. दुनिया को कभी ना कभी किसी ना किसी डिज़ास्टर का सामना करना ही पड़ता है. और ये सब क्यों होते हैं, ये सब हमने कहा कि इनके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी खुद की एक्टिविटीज़. एनवायरनमेंट के डैमेज को लेकर जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो हमें वापस डिज़ास्टर के रूप में मिल रहा है, ठीक है. बट वो एक अनदर चैप्टर है, अनदर बात हो जाएगी. तो फिलहाल जो हमने एक्सरसाइज बी सॉल्व करनी थी वो कर ली है, उसके आंसर्स पता चल गए हैं. नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज सी. अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं कि सुनामी क्या होता है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. देखिए सुनामी क्या है, व्हेन अ सीवियर अर्थक्वेक अकर्स अंडर द सी बेड. समुद्र का जो बेड है, यानी कि समुद्र का जो सबसे लोएस्ट लेवल है, उसके नीचे भूकंप आता है, और वो भी कैसा, बहुत सीवियर है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ भूकंप आता है. तो इट प्रोड्यूसेस जॉइंट वेव्स. तो वो भूकंप आने की वजह से पानी की बहुत बड़ी बड़ी जो वेव्स है ना वो उठती हैं, नोन एज सुनामी इन द सी, और उसी को हम समुद्र में सुनामी कहते हैं. इट कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और सुनामी के प्रभाव क्या हैं, सुनामी के भी यही प्रभाव है कि ये जीवन को और संपत्ति को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचाता है. और जापान तो बहुत टाइम से सुनामी का सामना कर रहा है, हमने भी कई बार सुनामी का सामना किया है, ठीक है, और देखा है कि कितने सारे लोगों को इस तरीके के डिज़ास्टर से कितनी परेशानी होती है, उनका जीवन पूरा ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है, ज़िंदगी इधर से उधर घूम जाती है. तो इसका आंसर क्या होगा कि व्हेन अ सीवियर अर्थक्वेक अकर्स अंडर द सी बेड, इट प्रोड्यूसेस जॉइंट वेव्स नोन एज सुनामी इन द सी. इट कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है. अब हम अगले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे बच्चों. अगला क्वेश्चन है, वॉट इज एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या होता है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था, बस वैसा ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है. एन अर्थक्वेक इज एन इंटेंस शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थक्वेक क्या है,
अर्थ की सरफेस के अंदर बहुत इंटेंस यानी कि बहुत ज़्यादा शेकिंग होती है, यानी कि अर्थ की सरफेस बहुत ज़्यादा हिलती है, उसे ही अर्थक्वेक कहते हैं। द शेकिंग इज कॉज्ड बाई मूवमेंट्स इन अर्थ आउटर मोस्ट लेयर। अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो ऊपर की लेयर है, उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं, चट्टाने जो होती हैं रॉक्स के मूवमेंट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से अर्थ शेक करती है, और अर्थ के शेक करने की वजह से हमको ऐसा लगता है कि धरती हिल रही है, और धरती का हिलना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। ठीक है, सो लेट्स रीड द आंसर वन मोर टाइम। एन अर्थक्वेक इज एन इंटेंस शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। द शेकिंग इज कॉज्ड बाई मूवमेंट्स इन अर्थ आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, अब चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पर। वाई डू फ्लड्स अकर, बाढ़ क्यों आती है? तो अभी अभी हमने इसको 2-3 बार पढ़ा है कि फ्लड्स अकर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर इंक्रीजेस। ठीक है, अब इसके आगे देखें। फ्लड्स अकर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर इंक्रीजेस ड्यू टू वेरी हैवी रेनफॉल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ड्यू टू ओवर वार्मिंग और लैंडस्लाइड्स। ठीक है, नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है तो बाढ़ आती है। अब पानी का स्तर क्यों बढ़ता है? ड्यू टू वेरी हैवी रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है इसकी वजह से। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जो हमारे बर्फ़ के पहाड़ हैं वो अगर पिघल जाते हैं तो उसकी वजह से नदी में पानी का लेवल बढ़ जाता है। ड्यू टू ओवर वार्मिंग, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पैदा हो रही है उसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, या बोल सकते हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से बाढ़ आती है। ठीक है, तो चट्टानें हिलती हैं, चट्टानों के हिलने से पानी एकदम प्रेशर से नदी में आता है और वो बाढ़ का कारण बनता है। तो फ्लड्स अकर व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर इंक्रीजेस ड्यू टू वेरी हैवी रेन्स, कॉमा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ड्यू टू ओवर वार्मिंग और लैंडस्लाइड्स। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। आप लोग भी कह रहे होंगे कि हम बोर हो जाते हैं जिस दिन हमें एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती है, बट कोई बात नहीं है, बोर होने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा बार आप चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे, आपको चीज़ें उतनी ही लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है, और कुछ चीज़ें हमें बतानी हैं जो हम फर्स्ट एड किट में रखते हैं। देखिए, फर्स्ट एड इज़ द बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन इन एन एमरजेंसी। फर्स्ट एड एक बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं, गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन, जो कि किसी बीमार और घायल आदमी को दिया जाता है इन एन इमरजेंसी, इमरजेंसी में। अब फर्स्ट एड किट शुड कंटेन दीज थिंग्स, और एक फर्स्ट एड किट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ 5 चीज़ें लिखी हैं हमने, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो लिखी हैं। पहला है एन एडहेसिव टेप, टेप चिपकाने के लिए, अस्टीराइल गॉज पैड, पट्टी होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक लिक्विड, ऑइंटमेंट होना चाहिए, कोई लिक्विड होना चाहिए, कॉटन वूल और रुई होनी चाहिए, और बैंडेज, ये भी पट्टी है तो ये पट्टी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, टैबलेट्स होनी चाहिए, सीज़र चाहिए, ट्वीज़र्स चाहिए, सब चीज़ें चलती हैं, बट कुछ आइटम्स लिखने थे तो हमने कुछ ही लिखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एड इज़ द बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन इन एन इमरजेंसी, अ फर्स्ट एड किट शुड कंटेन दीज थिंग्स, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप लोगों की ये एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 15 की थी कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। एग्ज़ाम आने वाले हैं, रिवाइज करते रहिए। ओके, बाय बाय।